कोई हो तो बोल दिया आ रहा है भाई। इतने भूत आने दो सबको। होने दो 65-70 हजार फिर करते हैं शुरू। आन दो आने दो सब। तू इसे बंद करना, तू क्यों चला रहा है? चेक कर रहा हूं। आने दो अभी बढ़ेंगे। रुकते ही कर दूंगा इसको। इसी चलो प्यार जो गर्मी लग रही है। तू मेन वाला फोन लाया ना? चलो हर बार की तरह कमेंट सेक्शन भाई बंद नहीं करेगा, ठीक है? तो रिसेंटली एक रील बहुत वायरल हो रही थी जिसमें कुछ ऐसा दिखाया गया था कि कुछ कोचिंग की प्रॉब्लम थी और कुछ पार्सल का इशू था। आज उस लड़के ने एक स्टोरी लगाई कि वो स्लिप जो थी वो जिस डेट की दिखाई गई थी उस डेट की थी नहीं। डलती मैं DTDC वाले के ऑफिस पे गया, बंद था, बंदा बुलाया, सारी चीज उसके साथ जो ही वो मैं नहीं बताना चाह रहा। बाद से उसने मेरे को बताया कि उसका क्या सीन था जो भी था। अब मेरे को एक छोटी सी चीज बताओ, कोई भी सर्विस सेक्टर होता है, जो भी ये 70,000 लोग देख रहे हैं, हर एक इंसान का कहीं ना कहीं कोई लेन देन चल रहा होता है, ठीक है? छोटी सी चीज का फेम पाने के लिए कोई वीडियो डाले किसी का नाम डीफेम करने के लिए, वो कहां से कहां तक लाजमी है। पेमेंट खाली मैंने उसको इसलिए दी है, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन ये है कि आज सरकार में उलटफेर हुआ है, तो मैं इस चूतिया के चक्कर में टाइम नहीं खराब करना चाहता और भी हमारे पास फिलहाल बहुत काम है। अब सिंपल सीधी चीज इतनी है, जो ये ज्योति नाम के साथ बोल रहा हूं, आपकी मां चोदी जाएगी फरीदाबाद में। लंड फर्क नहीं पड़ता भोसड़ी के सोशल मीडिया का, ये भांग वो भोसड़ा, तेरे पे जो केस हो कर ले, तेरी वो गांड मारूंगा ना। तू कौन सा फाइटर बनता है? मुआई, थाई, भांग, भोसड़ा, जो भी है, तेरे को फाइट कर दियो तो यहां फाइट कर लियो, वन ऑन वन करना हो वन ऑन वन कर लियो। तेरे को स्किल दिखानी है ना, मैं रैप्टो की मार दिखाऊंगा, रैप्टो से बेहोश कैसे करते हैं। मैंने बंदे को बहुत प्यार से बोला कि भाई प्लीज सीन मत क्रिएट करो, दोनों के लिए सेंसफुल नहीं है, क्योंकि बात कुछ ऐसी है ही नहीं। उस भोसड़ी वाले को लाइक्स व्यूज चाहिए थे, ठीक है, मिल गए। मैं पिछले 6-6.5 साल से कोचिंग दे रहा हूं, 100 में से 2-3 बंदे गलत निकलते हैं जिनसे रिलेशन खराब होते हैं। चलो हो गए का मतलब ये नहीं होता कि भाई उनका ड्रामा बना दो आप और पब्लिकली किसी का नाम उछालो। अगर किसी गाड़ी का कोई पार्ट भी नहीं है ना एजेंसी पे, तो आप उनकी गांड नहीं मार सकते, जब तक पार्ट नहीं आएगा आपको वेट करना पड़ेगा, वो छोड़ो। आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग लिमिटेड होती है, मतलब कॉल लॉग 1-1 बजे 2-2 बजे 3-3 बजे रात के बहन जो इस चूतिया का फोन आता था, ट्रेनिंग कर रहा हूं तो फोन करता था, गाड़ी चला रहा हूं तो फोन करता था। भैया पैसा दिया है बात करो ना, अरे बहन के लंड खरीदा थोड़ी है। अब इसके लिए भाई कल इसकी FIR होने वाली है, लीगल इसकी ऐसी वो गांड मारूंगा ना, बिना लीगल के तो एक बार को बच जाता, लीगल में छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले मैंने एक मन्नू नाम का लड़का रुलाया था, उसके नाम साथ सिंगा रुलाया था, रोते हुए वीडियोस आई थी यूट्यूब पे। उसके बाद 3 बाबा घर में घुसा के मारे थे, ठीक है। उसके बाद 4 इन्फ्लुएंसर चोदे थे, नाम भी बोल देता हूं उनकी बहन की चूत, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, कुणाल, अरेन, सिंगा और चिवेत भाई, भाई 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 वो खत्म हुआ तो एक स्कैमर था वो लपेटे में आया था,
उसके बाद एक असम से कॉल वगैरह कर रहा था बंदा, वो लपेटे में आया था। उसके बाद ये एलविश भाई और नेक्स्ट वन वाला, ये भाईचारे वाली चीज थी, ये खत्म हो गई। मैंने अगर कभी भी कोई चीज बोली है ना भाई, वो डिलीवर करी है, शब्द शब्द में नहीं रहा। इसके बीच में एक गाड़ी वाला भी चौदह था सेक्टर 15 में जो उंगली दिखा रहा था, और एक पुलिस वाला भी रगड़ा था। तो ये तो हो गई चीजें प्रूव करने वाली बात। तो एक प्रूफ के तौर पे भी पब्लिकली बोल देता हूं कि जॉय ज्योति के अगले 10 साल बर्बाद, कहते हैं ना बर्बाद, मेरे 36,000 रुपए गए हैं, 36 लाख से नीचे छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि प्यार से भाई निपटारा होता है, प्यार से सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन गर्मा गर्मी से नहीं होता। अब आपने अकड़ दिखाई, गर्मी दिखाई, मैंने कल रात भी इसको फोन करा कि भाई इन चीजों में कुछ नहीं रखा, तेरा बहुत कुछ चला जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरी 4-5 पुछते बैठ के भी खा लेंगी आज की तारीख में अगर मैं ऑनलाइन भी गायब हो जाता हूं। तो मेरे से बिना बात में चूतियापंती मत कर। नहीं माना, अकड़ दिखाई, चल ठीक है, गांड मार ली, कल FIR की कॉपी भी डाल दूंगा। ठीक है, ये हो गया जोय ज्योति का सीन क्लियर। यहां पे अब बात आते हैं एक सेना नाम से, रैंडम सेना करके एक बंदा है, किसी को नहीं पता ना वो कौन है। वो वाला फोन खोलो, उसमें देख, IPS बिहार ए, ए वाला ए नाम, गलती से भी नाम मत बोलियो उसको। एक सेकंड रुक जाओ, रैंडम से ना भाई, देख तो रहे हो ना आप। चलो आज आपका बायोडाटा देते हैं हम पैणचोद पूरी जनता को, 15 मिनट में निकाला है। अभिषेक आनंद आपका नाम है, शरद कुमार आपके पिताजी का नाम है, January 5 की आपकी बर्थ डेट है 1995। ठीक है, 10वीं करिए DAV पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर बिहार से, 12वीं करिए DAV पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर बिहार से, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम नीट मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर कर्नाटका से आप पढ़े हुए। फोन नंबर आपके इसमें 3 है हमारे पास, 8073918-5-, रेंडम इंडियन अभिषेक सिंह कैरियर रिलायंस जियो मोबाइल कर्नाटका। ठीक है, (7204413-), दूसरा नंबर, सुप्रिया अभिषेक आनंद Airtel X Tata Docomo मोबाइल, तीसरा 8892232-, Aircel मोबाइल कर्नाटका बेंगलोर, ईमेल है anishka-73@gmail.com। ठीक है, इतना हुआ। ईमेल एड्रेस आपके 4 है। अब आएगी मजे की चीज, भैंड चोत खतरनाक, ab-7000@gmail.com। लिंक्ड वेबसाइट पता है तुम्हें क्या क्या है, प्रूफ के साथ है मेरे पास ये। सबसे पहली है nike.com, दूसरी है pornhub.com। तीसरी spotify.com, चौथी twitter.com। दूसरी आईडी आपकी av-0077@gmail.com, तीसरी av-5400@gmail.com, चौथी av-1000@gmail.com। ठीक है, तेरे को लगता था तेरा किसी को पता नहीं लगेगा, तूने मेरे को नॉर्मल इन्फ्लुएंसर लगा रखा है ना, सुना भी। तेरे एड्रेस है इसमें 2, 16-Nagar, फर्स्ट मेन स्ट्रीट, पोस्टल कोड 560063, रीजन द्वारका नगर, घर के पास में श्रीराम मेडिकल स्टोर स्ट्रीट, हाउस नंबर 44। दूसरा एड्रेस -Vitthal Nagar, ईओन IT पार्क खराड़ी के पास में। IP एड्रेस देता हूं, रुक जा, 43.247.-5, बेंगलोर ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस 100-Colony, 4th Main Road। ठीक है, 3 IP एड्रेस है तेरे, दूसरा ले
14.96.77. टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड, एड्रेस है डी 26/2 सनपाड़ा। तीसरा आईपी एड्रेस ले 210.212.203. NMIT बेंगलोर, नीट मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, फोटो भी है तेरी मेरे पास, दिखाऊं? चलो वो छोड़ो। देखो भाई, आप सनातन को प्रमोट कर रहे हो, उसके लिए सल्यूट है, हम भी कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर कोई हिंदू भाई गलती करता है उसको पिन पॉइंट करते हो, उससे सॉरी बुलवाते हो, वो आपका अपना तरीका है दिखाने का कि हम अपने धर्म में कुछ गलत नहीं देखेंगे। एक 8 साल का बच्चा किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी गाय को पत्थर मारता है, क्योंकि उसमें समझ नहीं होती क्या सही है क्या गलत है। कुछ लोगों की एज बढ़ जाती है पर उनमें समझ फिर भी नहीं आती क्या सही है और क्या गलत है, तो उनसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। मुझे एक बहुत छोटा सा पॉइंट बताओ कि आप किसी हिंदू को हिंदू से ही गाली क्यों दिलवा रहे हो? गलती हो रही है, ठीक है भाई, 140 करोड़ लोग हमारे भारत में है, उसमें उतार चढ़ाव चलेगा। आप मुझे ये बताओ, सुबह से लेकर शाम तक पॉर्न हब देखने के अलावा आप क्या चीज ऐसी करते हो जो हमारे धर्म को प्रमोट करती है, इंस्टाग्राम की बकचोदी के अलावा? आप बहुत अच्छे से प्रमोट करो भाई, आपको पूरा समर्थन है। मैंने आज तक किसी जाति किसी धर्म को सुबह से शाम तक कभी गलत नहीं बोला। मेरे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है, अगली गली में गुरुद्वारा है और मेरी गली में ही मंदिर है। ठीक है, बहुत प्यार से रहते हैं हम सारे भाई बंधु, सारे भाई बंधु, कोई एक नहीं। ठीक है, रॉ में है रजत भाई, छोड़ो वो सारी चीजें। ठीक है, आपने अभी एक कहीं वीडियो डाली है, एक दलाल आया जिसका नाम ही दलाल है। देखो भाई, आप मेरा नाम लो रजत, मुझे गांडू बोलो, मुझे चूतिया बोलो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरे सरनेम का मजाक उड़ाओगे ना, अगर आप कहते हो ना कि आप किसी धर्म की बात करते हो या कुछ भी है, भाई उसी के एक हिस्से में से ना हम हैं, उसी के एक हिस्से में से हम हैं। आप हमारे सरनेम का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप सबसे सॉरी बुलवाते हो, अगर रजत दलाल से आज तक कभी कोई गलती हुई है जिससे किसी को हानि हुई है, हमारे धर्म को कुछ हुआ है, सनातन को कुछ हुआ है, तो आप बता दो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग दूंगा। पर जैसे आप सबसे माफी मंगवाते हो ना, आप एक स्टोरी प्यार से लगा दो कि रजत दलाल चाहे गांडू है चाहे चूतिया है, पर मुझे दलाल शब्द को यूज नहीं करना चाहिए था, वो चीज देखो भाई साहब गलत है। मैं एक चीज बोल रहा हूं आपको कि मैं बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं हूं कि आपको लगे कि आप हेट भिजवाओ, नेगेटिव पीआर करवाओ। आपकी गांड फाड़ के आपके हाथ में दे सकता हूं, आपके घर में, आपके सामने, आपके सोफे पे बैठ के। और अगर आपको लग रहा हो ये धमकी है तो धमकी ले लेना। कोई मंत्री भी अगर अप्रोच में हो ना कि हाँ ये मंत्री मेरे अप्रोच में है, उसका भी गांड तक का जोर लगवा लेना। मैं सुबह से शाम तक जानवरों की सेवा करता हूं, मेरे ही अपने पिताजी 4 घंटे सुबह पार्क में काम करते हैं, जबकि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, खाली पेड़ पौधों की सेवा करने के लिए। ठीक है, मुझे पहली बात तो एक ज्ञान मत चोदना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पॉर्न हब देखने वाले बंदे से मैं ये चीजें नहीं एक्सपेक्ट करता, ना तो भाई मैं देखता ना मैं कोई लड़की चोदता। एक जगह ध्यान रखते हैं, एक पे ही रखते हैं। और बहन चोद इन भसूड़ियों के चक्कर में ना वहां भी बात नहीं हो पा रही, घर मत बसने देना बहन के लंड मेरा, चलो वो चीज छोड़ो। तो भाई एक प्यारी सी स्टोरी लगा दो कि भाई ये चीजें गलत थी, मुझे किसी के सरनेम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, आप अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने खाली आपको आपकी हरकतों के लिए बोला है, मैंने पेज को, धर्म को, जाति को, किसी को नहीं बोला। आप मेरी सरनेम की बेइज्जती नहीं कर सकते। आप ब्रोकर बोल लो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप दलाल वर्ड यूज करोगे तो मुझे प्रॉब्लम है, और आपकी गांड फाड़ के हाथ में भी देने का गूदा रखते हैं। मुझे मत समझना वो इन्फ्लुएंसर की बहनचोद जिनकी तुम स्टोरी लगा देते हो, अपनी सेना भेज देते हो, वो सेना भी मेरे भाई हैं भाई। हिंदू गलती करता है और आप उस पर हिंदू का ही अटैक करवाते हो, तो मेरे भाई जोड़ थोड़ी रहे हो। उसमें स्टोरी डालो
कि आज भाई सब एक पेड़ लगाओ, आज सब 10 कुत्तों को बिस्कुट खिलाओ, तब तो हम माने भी भाई कुछ कर्म हो रहा है। एक बंदा उल्टा बोल रहा, तुम बहनचोद उस पे हेट ला रहे हो, नेगेटिविटी ला रहे हो, गालियां ला रहे हो। एक हिंदू दूसरे को बोल रहा है बहनचोद मादरचोद गलती कर दी तूने, बहन के लोड़े डाल के ये डाल, क्या है भाई ये, क्या है? ठीक है, ये तू हमें जोड़ रहा है तोड़ रहा है? मैंने ना तो भाई तेरा काम देखा, ना मुझे तेरे में कोई इंटरेस्ट। मेरे को तेरे में इंटरेस्ट होगा ना तो मैं तेरे लिए 2 दिन निकाल सकता हूं, और तेरा पूरा इंटरेस्ट ना प्रिंसिपल के साथ, अमाउंट के साथ, रेट के साथ ना जीरो कर सकता हूँ। फॉर्मूला पता है ना क्या होता है? क्या होता है PRT/100 ना अमाउंट का, PRT/100 टाइम तेरा जीरो कर देंगे तो जीरो ही हो गया ना। 0/100 1/0 होता है इन्फिनिटी, है ना? इन्फिनिटी पर 100 की केस में जीरो तो आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। तो ये सीधे भाई एक प्यारी सी स्टोरी लगा दो, इतना प्रॉमिस कर रहा हूं, चाहे मेरे को 2 साल लगे चाहे 4 साल लगे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं अगर आपने इस चीज के लिए अपॉलॉजी नहीं दी तो। अगर हमसे कहीं गलती हुई है, मैंने अगर एल्विश और मैक्सटन वाला बात बढ़ती ना तो आप उसको कैश ऑन करते, फॉर श्योर की चीज है। ठीक है, अगर मैंने वहां भाईचारा डलवाया है हिंदुओं में, हमारे भाइयों में, तो आपको उससे प्रॉब्लम है, आप मुझे दल्ला बोल रहे हो। अगर मैंने मेरे भाइयों को जोड़ा है तो मेरे को दल्ला बोल रहे हो कि मेरे को फॉलोवर चाहिए थे। अगर मेरे को फॉलोवर चाहिए होंगे ना, मैं आपकी गांड औंधी करके ना लाइव जाके उस पर सोटे मार सकता हूं। मेरे को फॉलोवर वहां से भी मिल जाएंगे भाई, मैं तेरे को घोड़ी बना के, कुतिया बना के चोद सकता हूं, मेरी गांड में दम है इतना। अगर मैंने मेरे सारे भाई जो भी है ना, सगे बता रहा हूं ब्लड वाले, उनको एक बार ही बोल दिया ना दलाल वाली चीज के ऊपर, तेरी मां चोद देंगे बहन के लोड़े। ये बहन का लोड़ा एक पेज लगा के बहन का लंड, इसे माथे में कोई गोली मार जाएगा, सीसीटीवी में होगा, बहन के लंड कहीं तू बहम में हो, तेरी मां चोद देंगे हम। मैं बहन चोद थक गया हूं, बहन चोद सोच सोच के किसी की बहन ना चोदू ना चोदू ना चोदू, मैं तैयारी पे क्या नहीं हूं बहन के लोड़ा, तुम सिर पे बैठ के मुतने लग जाओगे क्या? तेरी बहन के लोड़े औकात कैसे हुई दलाल वर्ड यूज करने की मादर चोद, तेरे को मैं बनाऊंगा मैनिपुलेटिव बहन के लंड। तेरे बीवी बच्चे भी होंगे ना बहन के लंड, वो भी रोएंगे आने वाले टाइम में। बहन के लंड मेरा दिमाग चलता है अलग, मेरे को लंड फर्क नहीं पड़ता ना मरने से ना जीने से। बहन के लंड स्टोरी लगा दियो, और तेरे को करनी हो ना पब्लिसिटी, पब्लिसिटी कर दियो, घर में घुस के गांड फाड़ जाएंगे तेरी, और तू प्रूफ ढूंढता रह जाएगा, तेरे को बताऊंगा लीगल लीगल चीजें खेलते कैसे हैं। अब अपनी मां ना चुदवानी हो ना तो अपॉलॉजी दे दियो, और चुदवानी हो ना तो पॉर्नअप पे साइट में बनवा दूंगा तेरी। बहन का लोड़ा प्रमोट कर अच्छे से कर, अपनी मां मत चुदवाया। मेरे को क्यों टकरते हो बहन के लोड़ो, तुम ले ली लाइमलाइट, अभी दूंगा तेरे को लाइमलाइट बहन चोद। मेरे को 2 दिन के अंदर भाई आपकी स्टोरी चाहिए कि भाई गलती हो गई, किसी के सरनेम का मजाक नहीं उड़ाना था, मेरे को दे गाली जितनी देनी है देता रहे। भाई तू एक पेज चला रहा है बहन के लोड़े, तेरे को हम बताएंगे हिंदू कौन है एंटी हिंदू कौन है? तू बहन के लोड़े भगवान हो गया क्या मादर चोद? इनकी गांड फट जाती है, लोड़ू लोड़ू इन्फ्लुएंसर है, बहन के लड़े कुछ बोल देता है वो सॉरी, तेरी मां की चूत सॉरी बहन के लोड़े, इंसान है तू भगवान नहीं है। वो टाइम भी दूर नहीं है कि तू हनुमान चालीसा सुनाता दिखेगा सबको लाइव में, इंसान है भाई तू इंसान है। और मैं वो नहीं हूं जो स्टोरी डाल के पूछेगा कोई बता दो, मेरे पास तेरा चिट्ठा पट्टा है। तू अभी भी जिस पेज से, जिस फोन से पेज चला रहा है ना, मैं 10 मिनट में ट्रेस करवा सकता हूं कहीं तू बहम में हो, और 2 मिनट में फ्लाइट पकड़वा दूंगा। बहन की चूत लोड़ू बहन के लंड, हमें ही आपस में लड़वाया जा रहा मादर चोद, और लोग इतने चूती है बहन के लंड लड़े जा रहे हैं। तो भाई इसका सॉल्यूशन दे देना, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट होता है, तो सॉल्यूशन कैसे कैसे होते हैं? एक तो देखा वो होता है मतलब जिसमें कोलोडियल होता है, होमोजीनियस हेटरोजीनियस है ना, तेरा कोलोडियल से सॉल्यूशन बना दूंगा बहन चोद सनलाइट वाला। बहन के लिए मेरे दिमाग का भूसड़ा हो गया, कहां से कहां चला जाता है। कर दियो भाई सॉल्यूशन।